हेलो, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो थोड़ा बात करते हैं डोरेंट कप के बारे में। तो डोरेंट कप में कल दो मैचेस था एंड लाइक क्या ही मैचेस था, मैं क्या मतलब क्या ही बोलूं। तो पहला मैच जमशेदपुर एफ सी वर्सेस इंडियन नेवी, एंड ये मैच जमशेदपुर ने 1-0 से जीत लिया है। एंड अगर हम लोग इस मैच का बात कर ले तो लाइक यू नो कुछ चांसेस दोनों टीम्स को मिला था, कन्वर्शन रेट तो बहुत ही गंदा। एंड जमशेदपुर ने एक जो गोल किया वो मैं बोलूंगा एशली ने गोल किया, अच्छा गोल था, अच्छा हेडर फिनिशर था मैं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। जमशेदपुर को एक पेनल्टी मिला था जो कि इतना ज्यादा गंदा पेनल्टी, लाइक यू नो थोड़ा सा तो कुछ एफर्ट्स डालते पेनल्टी लेने के टाइम पे, बट वो खैर देखने को मिला नहीं। वहां पर अगर हम लोग इंडियन नेवी का बात करें तो उनको ज्यादा कुछ चांसेस भी नहीं मिला था, एंड तो चांसेस नहीं मिला तो वो कन्वर्ट क्या ही कर लेंगे। सो हाँ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है फर्स्ट गेम में, काफी एक बोरिंग सा ही मैच रहा है। लेकिन सेकेंड गेम कल का बोडोलैंड वर्सेस आर्मी रेड, लाइक ये था एंटरटेनिंग वाला मैच। इसमें लाइक फुटबॉल सुलभ कुछ भी नहीं था, बट काफी एंटरटेनमेंट वैल्यू था इस मैच में। क्योंकि पहले तो दोनों टीम्स के डिफेंस को बुलाओ एक कमरे में, दोनों कोचेस को लाओ और इनको समझाओ, डिफेंस को समझाओ कि डिफेंस का काम है अपने टीम को प्रोटेक्ट करना गोल ना कंसीड करने से। इनको लगता है किसी ने गलत डेफिनेशन दे दिया है, क्योंकि जो अनसंड लेवल का डिफेंस हुआ है कल, लाइक मैं बता भी नहीं सकता। जिन्होंने देखा उनको पता है कितना ज्यादा गंदा डिफेंस, लाइक ये लोग डिफेंस कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं अपने ही गोलकीपर के यश में पता नहीं, क्योंकि लाइक हर एक डिफेंसिव एरर, लाइक मोस्ट ऑफ द मैचेस में डिफेंस से ज्यादा डिफेंसिव एरर्स हुआ है दोनों ही टीम के डिफेंस। ऐसा नहीं कि एक टीम ने किया दूसरे ने किया, नहीं, दोनों टीम ने इक्वली गलत डिफेंस किया है, चाहे वो बोडोलैंड एफसी हो या फिर आर्मी रेड हो। इसीलिए देखने में मजा भरा आ रहा था क्योंकि चांसेस इतने क्रिएट हो रहे थे, बट सैडली गोल कम ही हुआ है। फिर भी आर्मी रेड ने दो गोल किया है एंड लाइक यू नो अच्छे गोल थे, एंड बोडोलैंड ने भी टेक्निकली तो दो ही गोल किया, एक गोल उनका दिया नहीं गया, एंड वो गोल एक्चुअली था जिसमें गोलकीपर को फाउल दिया गया, गोलकीपर के ऊपर फाउल हुआ है। ऐसे दो सिचुएशन हुए थे, पहले सिचुएशन का बात नहीं करो, जो सेकंड सिचुएशन हुआ था जहां पहले गोलकीपर के हाथ से बॉल निकल गया था, एंड उससे भी ज्यादा बड़ा आर्मी रेड का गोलकीपर, लाइक यू नो अच्छा हुआ एंड में आके इसको रेड कार्ड मिल गया कि नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा, एटलीस्ट एक नए गोलकीपर को मौका मिलने वाला है। इतना गंदा गोलकीपर, इसके हाथ में कोई ग्लू कुछ लगाओ क्योंकि बॉल इसके हाथ में फिट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत ही बिलो एवरेज काइंड ऑफ मैच हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये फुटबॉल मैच देखो, आपको एंटरटेनमेंट पूरा मिलने वाला है। एंड 2-1 से आर्मी रेड ने मैच जीत लिया, तो ऑलमोस्ट ये ग्रुप ग्रुप एफ फाइनलाइज हो चुका है। आर्मी रेड मोस्टली क्वालिफाई करने वाला, 99% श्योर हो चुका है, हम सब कंफर्म बता सकते कि आर्मी रेड इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाले। सो देखते हैं कि आने वाले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एंड वहीं पर अगर हम लोग आज के मैच की बात करें तो आज दो काफी इंटरेस्टिंग मैच है। पहला मैच है दिल्ली एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी, और दिल्ली चेन्नई का जो मैच है, चेन्नई लाइक इसे ये ग्रुप ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि चेन्नई क्वालिफाई करने वाले, ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है कि चेन्नई क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। चेन्नई के पास ऑलरेडी 6 पॉइंट्स है, दिल्ली के पास 2 पॉइंट्स है, हैदराबाद के पास 1 पॉइंट है, त्रिभुवन आर्मी के पास 1 पॉइंट है। तो चेन्नई छोड़कर इस पूरे ग्रुप में किसी ने अभी तक एक मैच जीता भी नहीं है, तो वही ये मेन प्रॉब्लम है एंड जिसकी वजह से चेन्नई ऑलरेडी इस ग्रुप से क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये मैच थोड़ा सा चेन्नई थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि उनका मेन टीम खेल रहा है तो वहां पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, चेन्नई का फॉर्म भी बहुत अच्छा है। एंड वहीं पर अगर हम लोग आज के दूसरे मैच बात कर ले जो बैंगलोर वर्सेस केरला, सो ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक मैच होने वाला है क्योंकि पहले तो ये डर्बी है केरला का। अभी तक का इस पूरे लाइक डोरेंट कप का परफॉर्मेंस, एक ही मैच खेला है उन्होंने वो हारा है, सो उनके लिए ये जीतना काफी वाइटल है। बैंगलोर ने भी एक मैच खेला है वो ड्रॉ किया है इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में, बैंगलोर का भी सेकंड टीम खेल रहा है तो केरला के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन ये साउथ इंडियन डर्बी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड इस ग्रुप में करेंटली तो गोकुलम सबसे आगे है क्योंकि दो मैचेस खेला है, दोनों ही जीत लिए उन्होंने, तो गोकुलम के लिए रास्ता काफी ईजी है इस ग्रुप से। 90% चांस है कि गोकुलम ही क्वालिफाई करने वाला, लेकिन ऑलमोस्ट आप कन्फर्म हो सकते हो, बट फिर भी ये मैच देखने इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में कि बैंगलोर केरला का जो मैच है उसका एक अपने आप ही अलग वैल्यू है, बट अगर मेन टीम खेल तो ज्यादा होता, बट फिर भी देखते हैं कि इस मैच के रिजल्ट फाइनली क्या होता है। नेक्स्ट हमारे लुका मैजन की तरफ से, तो ये कोई प्रॉपर न्यूज तो नहीं है लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो लुका मैजन बन चुके हैं थर्ड फॉरेन प्लेयर जिन्होंने लाइक यू नो तीन इंडिया के तीन डिवीजन में खेला, आई लीग सेकंड डिवीजन, आई लीग और अभी आईसीएल में वो खेलने वाले सीजन। तो इस सीजन जैसे वो आईसीएल खेलेंगे वो बन जाएंगे थर्ड ऐसे प्लेयर जो कि जिन्होंने लाइक तीन डिवीजन खेला है इंडियन फुटबॉल में, जो कि काफी बड़ा एक अचीवमेंट है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये लुका मैजन को लेकर। और जो बाकी दो प्लेयर्स जिन्होंने तीन डिविजन में खेले इंडिया के, पहले है डूडू, तो डूडू ने आपको याद होगा उन्होंने गोवा में भी खेला है, और कत्सुमी उसा ने नॉर्थ ईस्ट में खेला था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनका परफॉर्मेंस लाइक लुका मैजन का परफॉर्मेंस इस साल पंजाब एफसी में रहता कैसा है। सो गाइस ये सच की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद को लाइक करना, शेयर करो दोस्तों में, एंड अगर अभी शेयर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइन पे लाइक कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड बेल दबाने के साथ तब तक के लिए बाय।